हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके एक और नए वीडियो पे। ये हमारी एडवेंचर जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का मौसम बहुत ही सुहाना है। पूरा गांव का नज़ारा आप देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ का मौसम बहुत सुहाना हो चुका है। गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। जैसे सामने देख रहे हैं कथौटिया, और ये मेरे टीम के एक बंदे, इनको भी थोड़ा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली सब लोगों को अलाउ नहीं है जाना, मतलब जो यहाँ परमिशन लेता है उसी को अलाउ है समथिंग जाना यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यहाँ का है। तो ये जैसा आप देख रहे हैं, आगे भी यहाँ जाने का, लेकिन हम लोग आगे नहीं जाएंगे। हम लोग यहीं से, ये अपनी रोड है, तो अपन इधर से ही थोड़ा अंदर जाए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके एक और नए वीडियो पे। तो आज मैं आया हूँ एक जंगल पे जिसका नाम कथौटिया है। कथौटिया वाटर पार्क यहाँ पे छोटा सा है। तो आज हम लोग यहीं पे एंजॉय करने वाले हैं। ये हमारे पीछे आ रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इनसे, ये भी हैं साथ में, हमारी पूरी टीम है। तो हम मज़ा लेते हैं ऐसी राइडिंग का। तो आशा है कि आप लोग भी मज़ा लेंगे। जैसे आप देखिए, चारों तरफ ये बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल है, और सीन तो बहुत ही खूबसूरत है, और मौसम भी उसी अनुसार हो चुका है। ये हमारे डॉक्टर साहब, ये बहुत ही मस्त सोच रहे हैं कि हम बहुत इंजॉय करेंगे, पानी में खूब तैरेंगे। देखिए ये दिन नहीं आती, ये अभी से इतना मस्ती कर रहे हैं, तो आगे चल के तो और भी बहुत अच्छा नज़ारा मिलने वाला है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ नोट्स हैं कि आपको जंगल में क्या क्या मिलेगा, और इनका हर एक का कुछ न कुछ रेट यहाँ इन लोगों ने बना के रखा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जहाँ से मैं हूँ यहाँ से करीब ये 4-5 किलोमीटर दूर पे है। अच्छा है, थोड़ी ट्रैकिंग भी हो जाएगी, और थोड़ा वॉकिंग भी के साथ साथ थोड़ा सा मज़ा आएगा। लेकिन तो जैसा आप देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। ये सामने मेरी बाइक खड़ी है, तो हम लोग यहाँ से सीधे निकलेंगे, और ये खूबसूरत जो नज़ारा है इसका हम लोग मज़ा लेने वाले हैं आज। तो बने रहे हमारे साथ फुल वीडियो पे, और इसके मैं बहुत सारे पार्ट बनाऊंगा, करीब 4-5 पार्ट बनाने वाला हूँ, क्योंकि इतना बड़ा ये जंगल है, जंगल का पूरी रिकॉर्डिंग करने पे और इसका जो पार्ट है, जो ड्यूरेशन होगा वीडियो का, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं अपन उसको 5-6 पार्ट में करीब वो कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे ऐसे ही हर पेड़ों पे लिखा मिलेगा आपको, जैसे बीट तुमड़ा केरा, तो इनका एक नंबर दिया गया है पेड़ का, जिससे इनको पहचानने में या तो इनका काउंट करने में आसानी हो जाती है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट का काम भी बहुत सराहनीय है। तो आइए मिलते हैं, हम फुल वीडियो पे ऐसे बने रहते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं जंगल के बीचों बीच। देखिए, आज सुबह ही बारिश हुई है, क्या ही सुंदर नजारा है, मजा आ गया यहाँ आने पे। ऐसे जंगल के बीच आप कभी अकेले मत आइए, अगर आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो ज्यादा बेटर है। और कोशिश करिए, अगर फैमिली के साथ आते हैं तो करीब 5-10-15 लोग तक इकट्ठा आइए, क्योंकि जंगल के बीच में आना और अकेले आना थोड़ा ठीक नहीं रहता। सही है ना डॉक्टर साहब? क्या बोलते हैं, फरवरी या तो उस टाइम जनवरी के आसपास आते तो मज़ा आ जाता है। बरसात के बाद तो, हाँ बरसात के बाद आते ना, तो जो यहाँ पे पेड़ पौधे थे, तो मज़ा आ जाता। यहीं कहीं घर हो तो ज़्यादा सुबह सुबह रोड पर, हाँ यहाँ घर हो तो मज़ा आ जाए, लेकिन 4 किलोमीटर अगर यहाँ से कटौती तक में जाते हैं तो मज़ा आ जाता है। ऐसे जंगल में आने से पहले आप लोग एक बार जरूर सोचिएगा, और ये देखिए कितना ही मस्त नज़ारा है यहाँ का।
और यहाँ पे जैसा मैंने बोला अकेले मत आइए, अकेले आने में थोड़ा खतरा है क्योंकि यहाँ जंगली जानवर भी मिलते हैं और लोगों का भी कोई भरोसा नहीं है अगर आप अकेले आते हैं या फ्रेंड के साथ में आते हैं एक दो लोग, तो वो ठीक नहीं रहता है। तो जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड सर्कल में आए, या तो हो सके तो 10-12 लोग आए साथ में, वो ज़्यादा बेटर रहता है। कटोटिया गांव बोलते हैं इसको, और यहां आने का सबसे अच्छा माहौल यही रहता है कि आप सुबह आइए और हो सके तो बारिश के सीज़न पे आइए। बारिश के सीज़न पे यहां बहुत ही मज़ा आता है। तो यहां पे 2-3 घर बने हुए हैं, ये कटोटिया का गांव है। चुके हैं अपने जंगल कैंप पे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे अपनी टीम के मेंबर्स, सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये हमारे भाई साहब कुछ और लोग, तो चलिए हम एंजॉय लेते हैं और थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करते हैं, अपन चाय और पीते हैं, फिर मिलते हैं। नहीं, कैसा लगा आप लोगों के यहाँ पे आके? अरे हाय हाय तो कर लो कुछ। अरे हाय हाय तो कर लो भैया। अरे कर लो सर, नहीं छूटते। अरे उसके जैसे बोलना भी पड़ता है। ये जो रवि भाई है ना, ये उसको आज हलाल करने के फुल प्लान पे है। नहीं, ये तो अपने ये हमारी गवर्नमेंट स्कूल, इसकी दशा आप देख सकते हैं। ये 7 पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है इधर। ये कटोटिया जो कैंप है, राबियाबाद, ये राबियाबाद एरिया बोलते हैं। और ये हमारा पूरा, ये चारों तरफ ही जो है ये स्कूल है और कैंप है, और इसके जस्ट बगल में ये अपना गांव है। देखिए एक छोटा सा गांव है यहाँ पे, ये राबियाबाद एरिया बोलते हैं इसको। इसके जस्ट आगे अपने को ऊपर जाना ट्रैकिंग करने, और अभी हम जा रहे हैं, मैच खेलने का प्लान है, तो अपन चलिए स्टार्ट करते हैं मैच। अरे रवि भाई, हाय हाय कर दिया करो यार, जब कैमरा वैमरा घूम रहे थे। कैसे वाला फिर से करके दिखाओ, कैसा वाला? अरे हाय हाय कर दो एक बार और। ये साइकिल गांव की, ये नहीं वो डैमेज है, 6 घंटे जाओ ना, रात को 12 बजे निपटा देंगे तुम सारे। बहुत गंदा है ये, हमारा क्रिकेट स्टार्ट हो चुका है। महुआ बुना है आपने? काम नहीं हो, खोलना है। गांव का ब्रेकफास्ट है कटोटिया वन परिसर, और यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद बहुत ही आनंद आया। कई बार डॉक्टर साहब से कहा कि आप आइए, कितने बार बोला। चाय आप खा लो, नहीं सर प्लीज वीडियो। जो आपने चाय चाय बोला था, चाय चाय नहीं, अपनी दे रहे हैं कि वहाँ से आइए चाहिए। अच्छा अच्छा, तू वहाँ रखी है केटली भर, बच्चा वो भी पिए। लीजिए सर, आप लीजिए। चाय कौन लेगा?
कैसा है महुआ आपका? बहुत बेहतरीन नशा आ रहा है। तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? सर महुआ अच्छा लगा? अरे बहुत टेस्टी। और दूं? हमारे फॉरेस्ट सेक्रेटरी है बड़वाल साहब, वो हाई ट्रैकिंग में मतलब महीना दो महीना में एक जगह ये महुआ की उतर रही थी, वो गांव वाले उतर एक नाले में वहीं पहुंच गए, मेरे को भी थोड़ा सा। नहीं चाहिए।